डिटेक्टिव में अगली खबर ग्वालियर से है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दास्तान सामने आई है। एक नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता पर उसके साथ घिनौना गुनाह अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घर यानी सबसे महफूज जगह, वो जगह जहां आप अपनों के बीच खुद को सुरक्षित समझते हैं। लेकिन ग्वालियर में एक लड़की का घर ही उसके लिए जहन्नुम बन गया और उसका खुद का पिता उसके लिए शैतान बन बैठा। ग्वालियर के थाटीपुर के रहने वाले इस शख्स पर इसी की बेटी ने घिनौना आरोप लगाया है। 16 साल की नाबालिग बेटी का आरोप है कि उसी का पिता बीते एक साल से उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दे रहा है। 2 साल पहले लड़की की मां की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपने छोटे भाई और पिता के साथ रहती थी। एक लड़की ने रिपोर्ट करी है कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ बलात्कार किया है। उसमें उसके पिताजी के खिलाफ धारा 376, 323 और 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का मुकदमा कायम हुआ है उसके पिताजी के खिलाफ। पीड़ित ने सोमवार देर रात ग्वालियर के थाटीपुर थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी अपनी बेटी के लगाए आरोपों को झूठा करार दे रहा है। एक दो बार लड़कों के संग करती भी मिली है, मैंने उसको मारा कल, उसने आज मेरी कंप्लेंट डाली लड़की ने, इधर आके झूठा फंसाया, मैंने उन्हें झूठा फंसाया, मेरे को नहीं आगे मेडिकल कराया, उसको मेरा देखी है। एक पिता पर लगाए बेटी के इस सनसनीखेज आरोपों की ग्वालियर पुलिस जाँच कर रही है और जाँच के बाद ही आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इन आरोपों ने रिश्तों को शर्मसार जरूर कर दिया है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।